दलवीर भाई भैया, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, गया होता। और प्रधान जी, अगर तूफान नहीं आता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। समय समय का फेर है, कोई समय समय की बात, का समय समय का फेर है, कोई समय समय बड़े और काऊ समय की ये काऊ समय के दिन बड़े काऊ समय की। 101 रुपए का आशीर्वाद परम आदरणीय पंडित रोहतास जो राजस्थान से पधारे हैं, बहुत ही आधुनिक समय में प्रचलित और मशहूर चैनल है इनका,
उनकी तरफ से आशीर्वाद चाहूंगा। कह दिया किसी ने मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। श्यामवीर भाई परम आदरणीय बड़े भाई मुकेश शर्मा जी गा रहे थे, अगर जयद्रथ नहीं जलता तो अर्जुन जल गया होता। व्यंगों का मंच नहीं है, ना ही तर्क का मंच है। भैया ने धुन गाई आदरणीय है मेरे, मैं तो बच्चा हूं नया नया, आप लोगों के संपर्क में जुड़ने का कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अर्जुन नहीं जला की बात है। इसलिए कहा कि जब समय निकल जाता है तो केवल हाथ तो मलना रह जाता है और कुछ रहता नहीं है। इसलिए चंद शब्दों पर गौर करेंगे जो मेरे बड़े भाई आदरणीय पहला सिंह जी ने लिख दिया, कोशिश कर रहा हूं आपके सामने प्रस्तुत करने की। कहा आलाला निवेदन है हमारे, अगर प्रहलाद भाई आवाज सुन रहे हो तो थोड़ी सी देर मंच पर खड़े होकर के जाएं, मंच पर खड़े हो जाएं, क्योंकि गाने वाले एक मिनट में गा देते हैं लिखने में बहुत दिन लगते हैं मुकेश भैया, और एक पटका हो तो इनका सम्मान करेंगे आप। देखिए छोटा भाई प्रहलाद, जब हम रसिया गाते थे कीर्तन गाते थे पंडित जी रोहतास जी, तो छोटे भाई बहुत मेहनत करते थे सुनने में और लिखने में, और आज बहुत बड़ी बात कहने के लिए जा रहा हूं। अगर हमारे यहां बेसमा में कोई रामादल अखाड़े को चलाने वाला अगर श्री जी राधा वल्लभ के बाद में हुआ तो केवल प्रहलाद और पंडित बनवारीलाल शर्मा चला रहे हैं। इस पर सब जनता का आशीर्वाद है, एक बार जोरदार तालियां बजा करके बहुत बहुत धन्यवाद। कहा है भैया रोहतास जी, फिल्मी दुनिया वाले कह गए अगर मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता, लेकिन मैं केवल समय की बात कर रहा हूं। क्या जरूरत के समय पर तो नहीं मुंह खोलते हैं लोग, जरूरत के समय पर तो नहीं मुंह खोलते हैं लोग। प्रधान जी कोशिश कर रहा हूं नई सौगात देने की, जीबी शर्मा जी का आशीर्वाद है। देख जरूरत के समय पर तो नहीं मुंह खोलते हैं वो, तलवीर भाई जरूरत के समय पर तो नहीं मुंह खोलते हैं लोग, और समय निकले तो क्या से क्या, समय निकले तो क्या से क्या, न जाने बोलते हैं लो जरूरत के समय पर तो I'm
सूरत के समय पर तो नहीं मोह खोलते हैं। आशीर्वाद आया है बड़े भाई आदरणीय मुकेश प्रधान जी की तरफ से, आदरणीय मुकेश भैया जी की तरफ से और उस्ताद जीबी शर्मा जी की तरफ से। जरूरत के समय पर नहीं मुख खोलते हैं लोग और समय निकलने पर न जाने क्या क्या बोलते हैं। क्या बात है, बंद में कहा नलवीर भाई। लाश पर सो सो बेटों की, लाश पर सो सो बेटों की, लाश पर बैठ, लाश पर सो सो बेटों की, बैठ अंधा नहीं रोता, लाश पर सो सो बेटों की, बैठे अंधा नहीं रोता। केवल समय पर नहीं बोलते हैं लोग और समय निकल जाता है तो क्या क्या बोलते हैं लोग। क्या बात है, बहुत सुंदर। लाश पर सो सो बेटों की, बैठ अंधा नहीं रोता, समय पर बोल, समय पर बोल जाता तो, समय पर बोल जाता तो, समय पर बोल जाता तो, समय पर बोल महाभारत नहीं होता, सबे पर बोल जाता तो ये महाभारत नहीं होता। आशीर्वाद आया भैया विजय बघेल जी की तरफ से। लाश पर सो सो बेटों की, बैठ अंधा नहीं रोता, समय पर बोल जाता तो, प्रधान जी समय पर बोल जाता तो वहां महाभारत नहीं होता। और आज तक कुल का द्रोही, आज तक कुल का उसे द्रोही, आज तक कुल का द्रोही उसे कह डोलते हैं लोग। आज तक कुल का द्रोही उस को कहते डोलते हैं लोग। समय निकले तो क्या से क्या न जाने वो बोलते हैं लोग। जरूरत के समय उनकी अपकीर्ति नहीं होती, उन पर लांछन नहीं लगते। दूसरे बंद में कहा, मां जाए भाई का दुश्मन, मां जाए भाई का दुश्मन, कभी
अर्जुन न बन पाता माजा इसलिए कुंती ने नहीं बोला, लेकिन वो तो सामर्थ्यवान था जो सब कुछ होने के बाद बोल रहा है। बहुत सुंदर। शायद पहले बोल गया होता तो मा जाए भाई का दुश्मन कभी अर्जुन न बन पाता मा जाए करण मारा नहीं जाता सत्य के सब बता देते करण मारा नहीं जाता क्यों अपने अपनों के संग रहे अपने अपनों के संग रह कर के अपने अपनों के संग रह कर रस में विष घोलते हैं लोग अपनों के संग रह कर के ये लोग विष क्यों घोलते से क्या न जाने बोल दे हो सह कर गया पीढ़ा करने कुछ भी नहीं
सही, रूप डीड़ा भी सही, बोला भी नहीं, लेकिन पीड़ा के बदले उसको मिला क्या श्राप। गुरु का सम्मान किया लेकिन बदले में मिला क्या श्राप, मृत्यु। आज तक उस के मरने का, आज तक उस के मरने का रहस्य टटोलते हैं लोग, आज तक उसके मरने का रहस्य टटोलते हैं लोग। समय निकले तो क्या से क्या न जाने वो सामर्थ्यवान व्यक्ति है लेकिन समय पर बोल नहीं पा रहा है। विडंबना यह है रोहतास भाई के समय पर बोल नहीं पा रहा है। चौथे बंद में कहा देरना देरना साथ मिल करके, सूरमा साथ मिल करके एक परपार करते हैं, सूरमा साथ मिल करके एक परपार करते हैं। प्रधानजी दोनों तरफ का गुरु है, कैसा सामर्थ्यवान है। सूरमा साथ मिल करके एक परिवार करते हैं, द्रोण गुरु मौन है रण में, द्रोण गुरु अत्याचार करते हैं, द्रोण गुरु मौन है रण में वो अत्याचार करते और निहत्ते पीर पर पहला हो, निहत्ते पीर पर पहला वो ताकत तोलते हैं लोग, पीर पर पहला वो ताकत तोलते
जरूरत के समय पर तो नहीं मुंह खोलते हैं जो समय निकले तो क्या से क्या जोरदार तालियों से सम्मान। जैसा